सो भाई आज मैं चला रहा हूँ धीरज भैया की जीप कंपस। यार कंपस तो कंपस ही है, मजा ही अलग है इस गाड़ी का। ऑनेस्टली थार के बाद ऐसी गाड़ी पे आना, वैसे तो मैं बहुत प्रो थार हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब इट इज सो कन्वीनियंट एंड सो इजी टू ड्राइव राइट नाउ। बट ठीक है यार, अपनी थार भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है। थार के अपने एडवांटेजेस हैं एंड जीप के अपने एडवांटेजेस हैं। बट यार चेक करो यार, मतलब इतना प्यारा इंटीरियर है एंड बिलीव मी ये गाड़ी लाख पार चल चुकी है, आई मीन ऑलमोस्ट लाख चलने वाली है। मज़ा ही है। 99,685 क्या मस्त उठ रही है यार गाड़ी, मतलब प्यार है यार। अमेरिकन कार्स भी अच्छी होती है। मतलब मेरे पास पहले फोर्ड थी इको स्पोर्ट, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी यार। सो गाइज इट्स अ डीजल मैनुअल 4x4। ये देखो यहाँ पे इसके सारे मोड्स हैं, ये फोर व्हील का लॉक है। सही है यार, मतलब गाड़ी चलाने में फन आ रहा है। नाइस नाइस गुड थम्स अप। चलो जी सी यू एट यूक्लियर नाउ। गाइस फाइनली पहुंच गए अभिषेक भैया की वर्कशॉप पे, अपनी गाड़ी लगी हुई है बाहर। क्या क्या लगता है आपको, लाइटें बन गई होंगी? टन लाइटें तो बनी नहीं है, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये चल क्या रहा है इधर यहाँ पे लाइट में? सर इधर कोई है प्रोमैन? वेरी नाइस। लाइटें तो दोस्तों मुझे लग नहीं रहा आज ये करेंगे। ये बंपर बड़ा सेक्सी लग रहा है सर, ये हमारी भी लगा दो। अरे 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 हेलो हेलो सर, हाय कैसे हो? ये आपने कहाँ से लाया ये ऐसे एजुकेटेड लेबर? अरे मैं कहीं से भी इंतजाम कर ही लेता हूँ। ये आप सही टाइम पे आए हैं, आप सही जगह पर आए हैं। रोमन का बम्पर फिट कर रहे हैं हम। सर यहाँ फिटमेंट तो लाइटों का होना था, मैंने सुना है। ये हम बहुत सुंदर लाइट बनाई है आपने बाहर थार की। नहीं नहीं वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आपकी लाइट बन रही है, ज्यादा आप सरकास्टिक मत होइए। अच्छा, आप पहले ये देखिए कि आप अंदर जाके उसे आपका काम चल रहा है। क्या बोल रहे, दो बार नहीं बोल सकता? नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकता। यस ये अरे मेरे बिना होना ही नहीं था ये। हां जीरो फिटनेस, बस बस पकड़े रहिए। Absolutely. एक इधर तो आ गया आपका स्क्रू में। कितनी आसान है ये इंस्टॉलेशन, DIY सर। यही हम देखना चाहते क्या ये सच है? नहीं नहीं हमने तो किया था ना उस दिन भैया के वाले में। मैंने किया हुआ है बट उस अच्छा आपने अपना भी तो किया था। मैं इंडिपेंडेंटली मतलब खुद करना चाहता था इसको, इसलिए हमने बम्पर यहाँ मंगाया। और वेरी गुड। अब ये देखिए मैन एंड मशीन। हेलो हेलो सर प्लीज क्लोज अप। बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ चाइना हमने मंगाया है टेक्नीशियन। मैं तुम्हें चाइनीज लग रहा हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी नाइस वेरी नाइस। कंफर्म है विंच प्लेट। अच्छा इस बम्पर की असेंबली समझाओ, जो थ्री पीस है ना बम्पर की असेंबली ऐसे है। ये विंच प्लेट है। हाँ जी ठीक है जी। ये इसमें जहाँ पे ये चेसी आ रही है, हाँ। चेसी के साथ ये यहाँ से एक प्लेट फिट हो गई। अच्छा। ये चार नट पे है रीइन्फोर्समेंट देने के लिए, क्योंकि इसमें विंच लगनी है। ये जो साइड में ओरिजिनल OEM दो होल्स हैं, हाँ। उसके लिए ये अलग से ब्रैकेट निकला हुआ है जो कि इसमें इंटीग्रेटेड है। ये करीबन 6 mm की प्लेट है। ठीक है ये उसके बाद यहाँ से भी रीइन्फोर्समेंट होगी। चार नट यहाँ से, दो नट यहाँ से आगे, चार नट यहाँ से आगे। टोटली चेसी से रीइन्फोर्स्ड है ये। तो आप इससे आप विंच कर सकते हो। और इसमें अभी बम्पर में शैकल का तो प्रोविजन नहीं है, बट शैकल आप एक्सटर्नल लगवा सकते हो। तो अब जो सारा बम्पर है वो इसके ऊपर ही माउंट होगा, इस असेंबली के ऊपर। अच्छा ये विंच प्लेट इस पर लग गई है। अब धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे कि इसमें सारे के सारे बम्पर के जो थ्री बम्पर पीसेज है, फ्रंट और साइड के दो फ्लैप्स, वो इसी के ऊपर ही माउंट होंगे। वो सारी एडजस्टमेंट, मेन जो चैम्बर वो इस पे आएगा और जो साइड के फ्लैप्स हैं वो जो बीच वाला चैम्बर आएगा उसके अंदर आएगा। सो दिस विंच प्लेट इज नाउ द बेस ऑफ द बम्पर, राइट? ये बेस है।
ये फंडामेंटल बेस है, बम्पर इसी पे टिकेगा। गॉट इट। अब मैं फिट कर लूँ, अपना काम कर लूँ? या प्लीज, थैंक यू सो मच सर। भाई ये बात नखरे वाला मैं ज्ञानी क्या हमारा देख लो। दो भाई साहब मशीन दो जी। मिस्टर मशीन गए कहाँ पे? आओ जी is other than the winch plate that is already mounted on the car, that's the second piece and this is the third piece. So basically that's the main bumper and that's the underbody radiator guard. So ye teen pieces mein very easy to install hai. Acha ye wings already inhone fix kar diye hain, abhi to panni chadi hui hai, jab ye lag jayega then you will understand ke this is an added side wing to the bumper. Both the sides. Pro man, nice. Quality check. So this sheet, ये वाली, is the stock, the main chassis से आ रही है. एंड ये है अपनी विंच प्लेट, प्रो मैन विंच प्लेट, बम्पर असेंबली का पार्ट है। अब थिकनेस चेक करो, ये वाली देखो और ये प्रो मैन वाली देखो, क्रेजी क्वालिटी भाई, नाइस क्वालिटी तो एक्सेप्शनली वेल है प्रो मैन की। प्रोडक्ट हम यूज ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट करते हैं ना, हमारी दिक्कत भी यही है जीवन की बाकी चीजों में। आप सीनियर है ना सर, समझ नहीं आती ना आप लोगों को, आजकल के बच्चों को इसे करते हैं माउंट अपनी विंच प्लेट पे। ऐसे कोई टेक्निकली करता नहीं, लोग इनके लिए करते रहते हैं। देखो हमारे पास ये मुझे खोलने में मजा आ रहा है, एक्चुअली मुझे भी देखने में मजा आ रहा है। देखते थे कितना बढ़िया थे, पिछली बार बंपर फिट किया था, एक एक नट किसी यूं 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 करके किया था, ये सीधा गया था। लोग लंच एंड डब्ल्यू आई पी काम चलते हुए सारे काम चल रहे हैं, बस एक जो कार की लाइट है वो ही नहीं बन पा रही है, दिख रहा है मेरे को सर। उसमें एक और प्रॉब्लम आ गई है, वो बताएंगे अभी हम आपको खाना खाने के बाद। मैं नहीं खेल रहा यार मैं खाना ही खा लेता हूँ। ये हमारी आज की ऑडियंस, सर की गाड़ी में प्रोमैन बम्पर फिट हुआ है, वो हो गया मगर सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच। चलो एक बार दिखा देते हैं क्या फिनिश आया निकल के, ये देखो। तो इसमें यूग्लेयर फॉक्स भी है, क्या प्यारी लग रही है यार। सो गाइज आज तो अपनी लाइट फिनिश नहीं हो पाई, एक टेक्निकल एरर आ गया। एक्चुअली एक बहुत कॉमन है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब हम इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन पे चले जाते हैं, बट कोई नहीं
आई होप ये बम्पर वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने खुद इंस्टॉल करा प्रोमैन वाला बम्पर, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फिनिश है एकदम, एंड वेरी इजी टू इंस्टॉल। मिलते हैं आपसे चलो अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक। बाय बाय।